हेलो गाइस, सन हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के ज़माने में व्हाट्सएप एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया जो हर कोई बंदा इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करता है और इसके फ़ायदे उठाता है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ व्हाट्सएप की 6 ऐसा ट्रिक्स के बारे में जो आपकी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियोस को शुरू करने के पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल में आप पहली बार आए हो तो मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट पाने के लिए। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं वो 6 ट्रिक्स क्या है। इस ट्रिक की मदद से आप अपनी जो लाइव लोकेशन है वो आपको फ्रेंड को या कोई भी बंदे को दे सकते हो 15 मिनट या 1 घंटा 8 घंटे के लिए। तो गाइस, ये ट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो ट्रिक्स को कैसे यूज़ करना है और कैसे इसको फ़ायदा उठाना है, तो इसके जानने के लिए हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और देख लेते हैं ये ट्रिक्स कैसे देखा। व्हाट्सएप है, उसको ओपन कर लिया। तो ओपन करके मेरा जो नीचे मेरा दोस्त है उसको मैं मेरा लाइव लोकेशन भेज रहा हूँ। इसके लिए इस पर क्लिक करके इस लोकेशन वाले ऑप्शन को टैप करना पड़ेगा, फिर शेयर लोकेशन में क्लिक करना। तो फिर यहाँ पे 15 मिनट 1 घंटा या 8 घंटा 3 ऑप्शन है, आपको आपका जो मर्जी। आप कितने देर तक अपना लाइव लोकेशन शेयर करना चाहोगे, मैं तो यार 15 मिनट तक दे रहा हूँ। तो इसके देने के लिए यहाँ पर सेंड कर दीजिए। तो हो गया शेयरिंग लाइव लोकेशन, यहाँ पर लोड रहा है। तो मैं जो लाइव शेयर हो रहा है यहाँ पर, तो हो गया शेयर। आप मेरा मर्जी है, तो हम चाहते हैं तो इस लाइव लोकेशन को यहाँ से स्टॉप कर दे सकते हैं। यहाँ पर हो गया स्टॉप। आप वो मेरा विशाल नाम का दोस्त मेरा लाइव लोकेशन टैग नहीं कर पाए। तो गाइस, इस ट्रिक की मदद से आप जो है अपने ऑल चैट को एक साथ सर्च कर सकते हो। जो है किसी कोई कई टाइम का भी टाइम होता है ना, जो कोई किसी आपको कोई एड्रेस भेजिए और वो आप नहीं खोज पा रहा है वो एड्रेस कहाँ पर है, इस टाइम में आप जो है उस एड्रेस को सर्च करके उस एड्रेस को डायरेक्टली पा सकते हैं। तो गाइस, ये ट्रिक कैसे काम करते हैं हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, इस फीचर्स के लिए हमें यहाँ पर जो सर्च बने ऑप्शन है इसे क्लिक करना पड़ेगा। फिर जो मर्जी, मैं तो यह बस सर्च कर रहा हूँ गुड मॉर्निंग मेरा जो फ्रेंड इस जो ये वाला जो ट्रिक है, इस ट्रिक की मदद से हम एक स्पेसिफिक चैट में जाकर एक इम्पोर्टेंट चैट या कोई भी चैट को एक क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। तो ये ट्रिक्स को देख लेते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो किसी स्पेसिफिक चैट को ओपन करके इस 3 डॉट्स पे क्लिक करके इस सर्च वाले ऑप्शन में क्लिक करके बाद मेरा पहले से टाइप करके रखा है गुड मॉर्निंग। तो इस मैं एक बार फिर से टाइप करके दिखाता हूँ। इस मैं गुड मॉर्निंग टाइप कर रहा हूँ ना, गुड मॉर्निंग टाइप करने के बाद जो यहाँ पर गुड मॉर्निंग वाला यह है वो सब मार्क हो गया। तो मैं ये पास सर्च करने से क्या होगा, गुड मॉर्निंग वाला जो है वो पहले से ही शो होगा मेरे सामने। आपने कभी सोचा है आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर एक बंदे को प्राइवेटली मैसेज कर सकते हो? हाँ जी, एक ट्रिक्स पॉसिबल है आपके लिए। तो देख लेते हैं ट्रिक्स कैसे कर सकते हो आप। मैंने यह बार एक ग्रुप ओपन कर लिया। तो मैंने यहाँ से एक बंदे को रिप्लाई देना चाहता हूँ। तो ये जो गुड नाइट वाला है इसको मैं सिलेक्ट कर लिया और चीटर्स वाला क्लिक करना, फिर रिप्लाई प्राइवेटली, तो आ जाएगा इस प्राइवेट। तो ऐसे करके जो आप इस ट्रिक का फ़ायदा तो हर कोई बंदा उठाना चाहते हैं। तो देख लेते हैं ट्रिक्स कैसे काम करते हैं। तो व्हाट्सएप को ओपन करके इस 3 डॉट पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर सेटिंग्स में, फिर अकाउंट में जाना पड़ेगा, फिर प्राइवेसी में जाकर इस रीड रिसिप्ट को ऑफ कर देना पड़ेगा। तो ऑफ करने से वो क्या होगा, वो ब्लू टिक हाइड हो जाएगा। क्या आप चाहते हो व्हाट्सएप की जो फोटोज़ वगैरह या वीडियोज़ वगैरह वो आपकी गैलरी में नहीं आए? तो ये ट्रिक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो देख लेते हैं ये ट्रिक्स कैसे काम करता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।